असल दुनिया में आप हर चीज को छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ बदलती टेक्नोलॉजी अब आपको वर्चुअल दुनिया की सैर कराने के लिए तैयार है। इस वर्चुअल दुनिया को ही मेटावर्स कहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है मेटावर्स टेक्नोलॉजी। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। दुनिया की फेमस सिंगर एरियाना ग्रांडे ने अपने घर में रहते हुए फोर्टनाइट गेम के जरिए मेटावर्स कॉन्सर्ट किया, जिसे घर में बैठे लाखों लोगों ने कंप्यूटर स्क्रीन और वीआर हैंडसेट में इस कॉन्सर्ट को ज्वाइन किया। इस टेक्नोलॉजी के चलते एक साथ 12 मिलियन से ज्यादा लोग वर्चुअल अवतार के रूप में ज्वाइन हुए। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार सिंगर दरेर मेहंदी ने मेटावर्स के जरिए लाइव कॉन्सर्ट किया। भारत के तमिलनाडु राज्य में भी विश्व की पहली वेडिंग मेटावर्स से हुई, जिसमें 500 से ज्यादा मेहमान मेटावर्स को ज्वाइन कर इस शादी में शरीक हुए। मेटावर्स कंप्यूटर के जरिए बनाई डिजिटल दुनिया है, जो 3D वर्चुअल वर्ल्ड होती है। ये ऐसी डिजिटल दुनिया है जिसमें हम हमारी असल दुनिया से जुड़े कई काम कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, शॉपिंग, वर्क, गेम्स, बातचीत करना। ये पूरी तरह से AR VR टेक्नोलॉजी पर बेस होती है। मेटावर्स की दुनिया में आप वर्चुअल एंट्री करते हैं, लेकिन आपको एहसास होगा कि आप फिजिकली उस जगह पर मौजूद हैं। वर्चुअल दुनिया में आप घूमने फिरने के अलावा दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए आपको मेटावर्स प्लेटफॉर्म की मदद से अवतार क्रिएट करना होता है, जहां से आप अपने ही जैसा एक 3D अवतार तैयार कर सकते हैं, जिसके बाद से आपकी पहचान वो अवतार ही होती है। मेटा, एनवीडिया, एपिक गेम्स, डिसेंटरलैंड जैसी विश्व की कई बड़ी कंपनियों ने अलग अलग मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनाए। चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां मेटावर्स पर काम कर रही हैं। ऑनलाइन गेम्स बनाने वाली कंपनी में रोब्लोक्स, एपिक गेम्स, माइक्रोसॉफ्ट, एक्टिविजन, ब्लिज़ार्ड, टेक टू, टेंसेंट, नेक्सॉन, वैल्यू, डिसेंटरलैंड, एप्पल जैसे कंपनियां काम कर रही हैं। वहीं सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाली कंपनियों में यूनिटी, एपिक गेम्स, एडोब, ऑटोडेक्स, एनसीन। वहीं सोशल नेटवर्किंग वाली कंपनियों की बात करें तो फेसबुक टेंसेंट मेटावर्स टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। इसके साथ ही गेमिंग और AR VR हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी फेसबुक, लेनोवो, HP, लॉजिस्टिक, एप्पल, एसर, वैल्यू, रेजर जैसी कंपनियां शामिल है। इसके साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड यानी डिजिटल करेंसी की कंपनियों में एथेरियम ब्लॉकचेन कंपनी मेटावर्स पर काम कर रही है। वहीं मेटावर्स के डिजिटल वर्ल्ड में डिसेंट्रलैंड, द सैंडबॉक्स, पार्टी नाइट जैसी कंपनियों ने प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दिया। फेमस सिंगर दलेर मेहंदी ने मेटावर्स में जमीन खरीदी है। इस वर्चुअल लैंड का नाम बल्ले बल्ले लैंड रखा है। दलेर मेहंदी ने यह लैंड पार्टी नाइट से खरीदा है। ऐसा नहीं कि मेटावर्स कोई नई टेक्नोलॉजी है, इसका जिक्र साल 1992 में नील स्टीफेंसन ने अपने डायस्टोपियन उपन्यास स्नो क्रैश में किया था। स्टीफेंसन के उपन्यास में मेटावर्स का मतलब एक वीडियो गेम की दुनिया से था, जहां लोग गैजेट्स की मदद से आपस में कनेक्ट होते हैं। गैजेट में हेडफोन, वर्चुअल रियलिटी शामिल है। ये वीडियो गेम लोगों को एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है। इस स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथी मंचकार पुनीत ने। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।